ये हमारी तेंली यानी कुंदरू की सब्जी खाने के लिए रेडी है। छोटों से लेके बड़ों तक सभी को ये सब्जी पसंद आएगी। इतनी बढ़िया ये तेंली की सब्जी बनती है। और स्पेशली ये सब्जी टिफिन बॉक्स के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये सब्जी एकदम इंस्टेंट यानी सिर्फ 10 मिनट में बनती है। और अगर आपने अश्विनी किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। आप अश्विनी किचन को फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। गैस चालू कर देते हैं। पैन में हमने 3 चम्मच ऑयल डाल दिया है और ऑयल अच्छे से गर्म भी हो गया है। गैस मीडियम फ्लेम पे ही है। अब ये ऑयल में 1 चम्मच क्यूमिन सीड्स यानी जीरा, मस्टर्ड सीड्स और ये थोड़ा सा हींग डाल देते हैं। क्यूमिन सीड्स और मस्टर्ड सीड्स अच्छे से चटकने लगे हैं। अब इसमें हम ये 2 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन डाल देते हैं। अब ये लहसुन को हल्का सा गोल्डन कलर आने तक हमें ये ऑयल में अच्छे से फ्राई करके लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लहसुन को हल्का सा गोल्डन कलर आना चालू हो गया है। अब इसमें हम एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल देते हैं। अब ये प्याज को लगभग 2 से 3 मिनट तक ऑयल में अच्छे से फ्राई करके लेंगे। प्याज को हल्का सा गोल्डन कलर आना चालू हो गया है, इसका मतलब है हमारा प्याज ऑयल में अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसमें डालेंगे ये एक बारीक कटा हुआ टमाटर। अब ये टमाटर को भी हमें लगभग 2 से 3 मिनट तक ऑयल में अच्छे से भून के लेना है। टमाटर को हमने ऑयल में अच्छे से भून के लिया है। अब गैस की फ्लेम लो कर देते हैं। अब इसमें जाएगा ये 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और ये नमक। अब ये प्याज टमाटर के साथ इन मसालों को हम ऑयल में भून के लेंगे। यहाँ पे लगभग 300 ग्राम ये तेंदली को हमने अच्छे से वॉश करके लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये तेंदली को मैंने छोटे शेप में और देखिए ये बड़े शेप में भी कट करके लिया है। तो आपको जैसा पसंद है उस शेप में आप ये तेंदली को कट कर सकते हैं। अब ये तेंदली को हम लगभग 2 मिनट तक ऑयल में अच्छे से सौते करके लेते हैं। ये तेंदली हमने प्याज टमाटर और सभी मसालों के साथ अच्छे से सौते करके लिए हैं। गैस लो फ्लेम पे ही है। अब ढक्कन रखकर ये तेंदली को हम एक 5 मिनट स्टीम पे ही पकने देते हैं। 5 मिनट हो गए हैं। अब ढक्कन निकाल कर हम ये तेंदली को ये स्पून से थोड़ा सा हिलाएंगे। ये तेंदली का कलर अभी भी हरा ही है, इसका मतलब है ये पूरी तरह से पके हुए नहीं है। अब इसी स्टेज पे ये 3 चम्मच पीनट्स यानी मूंगफली को मैंने खलबट्टा में दरदरा सा ही कूट के लिया है। अब इसे हम इसमें डाल देते हैं। ये कुटे हुए मूंगफली का फ्लेवर ये तेंदली की सब्जी में एकदम बढ़िया लगता है। अब इसे हम ये तेंदली के साथ अच्छे से मिक्स करके लेते हैं। अब वापस इसके ऊपर ढक्कन रखकर और 5 मिनट स्टीम पे ही हम ये तेंदली को पकने देते हैं। 5 मिनट हो गए हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये तेंदली को हमने अच्छे से पका के लिया है। अब इसमें हम ये थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं। तेंदली अगर फ्रेश है तो वो पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लेते हैं, वो जल्दी पक जाते हैं। गैस बंद कर देते हैं और ये तेंदली की सब्जी को हम बाउल में निकाल देते हैं। ये हमारी तेंदली यानी कुंदरू की सब्जी खाने के लिए रेडी है। छोटों से लेके बड़ों तक सभी को ये सब्जी पसंद आएगी। इतनी बढ़िया ये तेंदली की सब्जी बनती है। और स्पेशली ये सब्जी टिफिन बॉक्स के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये सब्जी एकदम इंस्टेंट यानी सिर्फ 10 मिनट में बनती है।